और विशेष रूप से उसमें जिक्र हुआ कि मुख्यमंत्री का जिला और उसके बावजूद यहां पर जो है काम नहीं हुआ, विकास नहीं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेहरबानी करके ये बजट में क्या प्रोविजन होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझाना हमें छोड़ दें। हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में छठी बार मैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी दायित्वों पर रह चुका हूं, पहले मंत्री भी रह चुका हूं। और जिन बातों को हमने स्पेसिफिक होकर के जिक्र किया तो उनके बारे में जरूर कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि शिवधाम की यहां पर शुरुआत की बजट का प्रावधान नहीं किया गया। अगर बजट का प्रावधान नहीं किया तो टेंडर कैसे लेगा, उसकी एएनडी कैसे होगी। मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि मंडी की शिवरात्रि के मेले के दौरान जो उनके संबोधन में अपनी बात कही तो मैं कुछ बातों को लेकर के उनको कहीं कंफ्यूजन ना रहे आने वाले समय के लिए, और मंडी की जनता को भी कोई कंफ्यूजन ना इस बात को रहे, ये बातें स्पष्ट करना बहुत लाजमी है। शिव धाम हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हमने केंद्र सरकार के सामने एडीबी का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करने के लिए भेजा गया। 2100 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट एक बार स्वीकृति के करीब पहुंचा, लेकिन कोविड का दौर आया तो जितने भी जो एक्सटर्नल एडीबी प्रोजेक्ट हमारे थे फंडिंग के केंद्र सरकार के वो सारे लंबित कर दिए। उसके कारण ये भी प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए का जो है वो रुक गया। और ये मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे मन में एक भाव था कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के हम टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में काम कर सकते हैं। मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मिला, जबकि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ये सेल्फ कर दिया गया था, रोक दिया गया था, इसको रिवाइज किया और 2100 करोड़ रुपए हमने एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत किए हैं। 2100 करोड़ रुपए और संभवतः पूरे देश भर में एडीबी का टूरिज्म सेक्टर में एकमात्र प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश का। और इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मन में यह भाव था कि अगर नई डेस्टिनेशन हमने डेवलप करनी है टूरिज्म की, उसमें संभव नहीं हो सकता जब तक के लिए ये केंद्र की मदद हमको नहीं मिल पाए। और उसके बाद जब हमने एडीबी के उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज 2 फेजेस में उसको होना था, फर्स्ट फेज के लिए जो हमने जो
प्रोजेक्ट भेजे, उसमें मंडी का शिव धाम का 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके भेजा, 200 करोड़ रुपए का। और 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके जब हमने इसको भेजा और कुल मिलाकर के इसके बाद जो अगला फेज थ्री उसके लिए हमने कहा कि जो हमारा एडीबी का सेकंड फेज होगा, क्योंकि 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो पहला फेज इसका भेजा था तो हमने लगभग 800 करोड़ का भेजा, जो 800 करोड़ का उसमें हमने ये शिव धाम भी डाला है, पॉम्प डैम भी डाला है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के, लेकिन और धर्मशाला का इंटरनेशनल लेवल का एक जो हमारा एक सेंटर जहां इंटरनेशनल लेवल की हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी कॉन्फ्रेंसिस वगैरह हो सके उसका प्रोविजन भी उसमें तय किया और उसके लिए जगह भी चयनित कर दी थी। लेकिन लोगों को इस तरह से झूठ बोलना, मुख्यमंत्री इस प्रकार से गलत बोले, मुझे इस बात की सरकार में परिवर्तन हुआ और शिवधाम के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कह दिया गया। शिवधाम के इस प्रोजेक्ट को रोकने के बाद जब मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा रोकना उचित नहीं, तो जाकर के मालूम पड़ा कि जो हमने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शिवधाम का जो दिल्ली के लिए हमने भेजा था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो बाकी 800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें शिवधाम भी साथ में था, वो सारे वापिस बुला दिल्ली से वापिस बुला। और वापिस बुलाने की वजह ये बताई कि सरकार हिमाचल प्रदेश में बदल गई है, अब नए सिरे से हमारी प्राथमिकता है उसमें, हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें भेजने हैं उसमें हम तय करेंगे। अब जब मुझे मालूम पड़ा कि प्रोजेक्ट सारे के सारे जो हमने जो दिल्ली के लिए जो भेजे थे वो सारे वापिस विड्रॉ कर लिए हमने, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे बात की मुख्यमंत्री जी, हमने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट अपनी प्रायोरिटीज डालना चाहते हैं आप डालिए, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिला, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और एडीबी के 2100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेकर के आए पूरे देश भर में। एडीबी का पैसा हिमाचल प्रदेश को कोविड के बाद का पहला प्रोजेक्ट मिला, कहीं किसी और जगह नहीं मिला टूरिज्म के सेक्टर में। तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा था कि जो हमारा 200 करोड़ का जो हमने जो शिव धाम फेज 2 का भेजा था तो उसमें थोड़ी कटौती करके शायद 130 करोड़ रुपीज का उन्हें भेजने की सहमति की और उसमें हमने अपने नादौन का प्रोजेक्ट भी डाला, हमें कोई आपत्ति की, टूरिज्म का प्रोजेक्ट नादौन में भी हुआ हमें कोई आपत्ति, लेकिन मैं समझता हूं कि सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली जो हमने भेज दिए थे उनको सबको रद्द करना, उनको नए सिरे से ये करना बहुत ज्यादा उचित है। और इसलिए मैं इसे आपके बीच में कह रहा हूं कि शिवधाम के प्रोजेक्ट के लिए फेज 1 फेज 2 फेज 3 के हिसाब से जो है एडीबी के प्रोजेक्ट में सारी व्यवस्था है जो हमने इसमें प्लान की है, वो एक एक चीज को लेकर के स्पष्ट रूप से हमने इसका जो है वो उसका प्रपोजल और उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अब जो उन्होंने जो 130 करोड़ रुपए का शायद हिमाचल प्रदेश से इसको भेजा है कि दिल्ली के लिए, जिसमें नादौन का प्रोजेक्ट उन्होंने ऐड किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, उसकी स्वीकृति के लिए वो ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि बिना बजट के प्रोविजन के जो बार बार कही जाती है बातें, वो बातें कहना बंद कर दें, नहीं तो ये खुलासे हम इस प्रकार से करेंगे जो आप क्या कर, मुझे ये नहीं कहना था सब क्या कि उन्हें प्रोजेक्ट जो हमारे भेजे हुए दिल्ली के लिए टूरिज्म के प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिए, लेकिन ये इसलिए कहना पड़ रहा कि वो बार बार कह,
और मंडी में आकर के कहा तो मुझे लगा कि मुझे आज आप सबके बीच में इस बात को कहना चाहिए। 2100 करोड़ रुपए हमने लाए और उसके बाद इस प्रकार से प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना और प्रोजेक्ट पर रोकने के लिए आदेश करना, ये उचित नहीं। हम इस बात से सहमत हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई थोड़ा इशू उसमें आया था जिसके कारण उसने स्लो डाउन कर दिया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जो है वो काम को गति मिलेगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। और शिवधाम का हमारा प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये तीनों फेज का कंप्लीट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की हमारी इसकी योजना है, पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप। ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मंदिर को बना करके यहां पर रख दिया और उसके बाद और कुछ नहीं, बहुत सारा इसमें स्कोप है, रोपवे का स्कोप है। तो ये शिवधाम के सिलसिले में अपनी बात में आपके बीच में कहने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्हें एयरपोर्ट की बात की, एयरपोर्ट के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि बहुत वर्षों से बातें होती थी लेकिन हमने एयरपोर्ट के मामले में जमीनी स्तर पर काम किया है, व्यवहारिक रूप से। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए आए तो हमने उनके सामने पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारा मेजर इश्यू है, आप इसमें मदद करें। कुछ नहीं मांगा हमने, हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी एयर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन किया। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट पे एक्सपेंशन के लिए रखा है, आप रिकॉर्ड में इसको निकाले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है जिसको वो बार बार घुसला है, 1000 करोड़ रुपए का। और जैसे मैंने आपसे पहले भी साझा किया है कि इसकी जो टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, इसका लीडार सर्वे होना था वो हो चुका है, ओएलएस सर्वे होना था वो हो चुका है, और उसके बाद जो हमारे इस पर सोशल इंपैक्ट का जो हमारा असेसमेंट का जो सर्वे हो रहा था वो हो चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुका है, हालांकि उसकी एजेंसी चेंज की थी लेकिन उसके बावजूद वो भी पूरा हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस इसमें शुरू होगा और उसके बाद वो रिकमेंडेशन जाएगी जो चीफ सेक्रेटरी को जाती है, उसके बाद फिर अगली जो है। और इसके लिए हमने जो स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसको SPV जिसको बोलते हैं कंपनी जो है वो बना करके हमने पूरी की है, हमने एक एक चीज को बारीकी से किया है। और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने इट टेक इयर्स टुगेदर। अगर शिवधाम की अगर इसकी बात कह रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि इसकी हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको इसकी फॉरेस्टिंग क्लीयरेंस में वक्त लग गया क्योंकि वो लंबा, क्योंकि कोविड के कारण सारे के सारे जो है फॉरेस्ट क्लीयरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ नहीं पा रहा था, इस कारण से रुकी पड़ी थी। उसके लिए लक्ष्य में जाकर के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिला, सोलिसिटर जनरल से भी मिलकर के आया, स्पेशली जो है हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट की फॉरेस्ट की क्लीयरेंस होने ताकि हम इसका काम शुरू कर पाए, तब जाकर के मंडी का शिवधाम की फॉरेस्ट की क्लीयरेंस हुई और तब जाकर के शुरू हुआ। और इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया उन्होंने, ये मंडी एयरपोर्ट के बारे में मैं कह रहा हूं कि बजट प्रोविजन का वो जिक्र कर रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं जो इनके आजकल के चीफ सेक्रेटरी है वो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे उनसे वो जानकारी हासिल कर लें कि 1000 करोड़ जो है मेरी बजट अनाउंसमेंट है, पिछले जो बजट लास्ट बजट था मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया था, वही फाइनेंस सेक्रेटरी आप चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर जानकारी उनको कहीं से नहीं मिल पा रही तो महोदय
चीफ सेक्रेटरी से इस बात की जानकारी हासिल कर लें, वो उनको ठीक जानकारी देंगे। अब ये चीज ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसके जो हमारे इसकी डीपीआर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करने पड़े और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया, कॉलेज की बिल्डिंग का जिक्र किया और कॉलेज की बिल्डिंग के सिलसिले में मुझे इतने कहना है, इस कॉलेज में मैं पढ़ा और इस कॉलेज में एक छात्र होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रावधान किया, फाउंडेशन स्टोन किया, 26 करोड़ रुपए की एमडीएस उसकी, 26 करोड़ रुपए से लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट हम जारी कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट इसका जो रिवाइज एस्टिमेट इसका जो है वो निश्चित रूप से वो हाई साइड में जाए, क्योंकि ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर में अलग तरह की ये बिल्डिंग बनाने का उसको निर्णय किया था। उस वक्त लक्ष्य ये था कि शायद इससे जल्दी हम इसको बना करके तैयार करेंगे और अब इसका जो है वो खासतौर से इसका जो रिवाइज एस्टिमेट उसका भेजा गया है तो उसमें थोड़ी इंक्रीज आई है और इंक्रीज क्योंकि 3 times के लगभग जो है स्टील के रेट में बता रहे हैं कि जो तो इंजीनियर से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 3 times इंक्रीज जो है वो स्टील के रेट में हुई है पिछले इसमें, तो इसका रिवाइज एस्टिमेट लगभग 26 करोड़ के लगभग इसका शायद निकल में ये था, ये भी 17 करोड़ का था, ये 17 करोड़ से बढ़ करके ये 27 करोड़ रिवाइज इसका एस्टिमेशन जो है वहां तक पहुंचा और हमने 27 करोड़ रुपए देख करके इस भवन को मुकम्मल किया, इसको पूरा किया। अगर कोई काम शुरू होता तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको पूरा करने की, अगर काम ना पूरा क्योंकि काम सरकार के साथ सारे पूरे हो जाते हैं ऐसा कभी होता नहीं, तब तो यही होना था कि एक सरकार ने जो काम पूरे किए हैं उनका उनके लिए बजट का प्रावधान, अगली सरकार नए काम शुरू करेगी लेकिन पुराना काम वही छोड़ देगी। ये परंपरा नई परंपरा हिमाचल प्रदेश में उन्होंने डालने की आदत डाली है। मैं उनसे कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूटी होती है, इस बात को उनको समझना होगा। आप जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ऐसे छूट जाएंगे जो पूर्ण नहीं हुए होंगे, उनको पूरा करने की जिम्मेवारी अगली सरकार की होगी, अगले नेतृत्व की होगी। इसलिए व्यवहारिक चीज को समझने की कोशिश करें, ये भी मैं आपके बीच में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। इस सांस्कृतिक भवन को हमने बना करके तैयार किया और उसको डेडिकेट किया और उसी के साथ साथ में एक चीज में और मैं आपके ध्यान में जरूर कहना चाहता हूं, कहने लगे कि मंडी में मुख्यमंत्री ने एक भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया मंडी को, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया अभी आए थे तो उद्घाटन किया, जो इंटेग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिपोर्ट रिस्पॉन्स सेंटर जो यहां पर जिसका शिलान्यास हमने किया था पुलिस लाइन में, उसका हमने उद्घाटन किया, उन्हें तो उद्घाटन किया, काम तो हमने शुरू किया था, बजट प्रोविजन तो हमने किया था, इसलिए ऐसी बातों पे उनको नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद मैं आगे जो बात कहना चाह रहा हूं और वो मंडी की स्टेट यूनिवर्सिटी से थी, मैंने सुना कि बहुत सारे साथियों के बीच में मुख्यमंत्री ये कह रहे थे इसकी जरूरत थी, हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और इस छोटे से प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी का काफी है, उनकी सोच का ये हो सकता है। अगर उस हिसाब से हम कहें तो हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहां पर डेप्टी चीफ मिनिस्टर की भी जरूरत है और ये तो डेवलपमेंट का काम है। और उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की यूनिवर्सिटी के लिए
अंतर्गत जो है पांच जिलों के और 126 कॉलेजेस के अंतर्गत 126 कॉलेजेस के अंतर्गत और एचबी यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस जहां पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लगभग यहां पे भी 6,500 के करीब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। कंप्लीट जस्टिफिकेशन थी, सेंट्रली लोकेटेड है। और हमने ऐसे नहीं यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी की हमने घोषणा की, वाकादा विधानसभा के अंदर बिल ला करके उसको पारित किया है। वाकादा विधानसभा में बिल आने के बाद इसके जो है पारित होने के बाद इसके स्टैट्यूट बनाए गए और वाकादा विधानसभा में इस सारे करने के बाद उसकी जो है सारी जो उसकी जो पावर मिलनी थी वो सारी चीजों की व्यवस्था उस एक्ट के मुताबिक वहां पर की गई है। और यहां बड़ी दिलचस्प बात यूनिवर्सिटी को बंद करने का रास्ता निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की ओर से तो हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए हमने जो कुछ लोग डिब्यूट किए थे कि जहां भी नई यूनिवर्सिटी नए इंस्टीट्यूशन बढ़ता है कई बार डिब्यूट करके उसको फंक्शन करने के लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने 10 स्टाफ जो है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से यहां पर डिब्यूट किए गए और उन सभी को उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया, उनको वापिस भेज दिया गया। और वापिस इसलिए कि रास्ता मैं कह सकता कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सोच है जिस सोच पर मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा काम करना जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए, इसको रोकने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं।